नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में जनवरी के महीने में मॉनसून के मौसम जैसी बरसात हो रही है। शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश में 40 एमएम से अधिक की बढ़ोतरी के कारण न केवल दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, बल्कि जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं दिल्ली और इससे सटे इलाकों में आज यानी रविवार को भी लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में फिलहाल ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं आईएमडी के मुताबिक उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, लोधी रोड, पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहाना, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में कुछ ही घंटों में हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी से लेकर मध्यम तीव्र की बारिश होगी। आईएमडी ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में 10 जनवरी तक गर्जन के साथ हल्की से मध्य बारिश पड़ने की संभावना जताई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शनिवार सुबह 8:30 बजे से 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो जनवरी महीने में पिछले 22 साल में सबसे ज्यादा है।